आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और एडवांस एक्सेल की हमारी ये दूसरी क्लास है। पहले हमारी इंट्रोडक्शन थी, आज हम फाइल मेनू इस क्लास से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम कोर्स को मेनू वाइज चलेंगे, तो सबसे पहले फाइल मेनू वाइज की बात करते हैं। जैसे हम फाइल मेनू वाइज पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का विंडो आता है। सबसे पहला होम का विंडो होता है। होम में यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। उसके अलावा आपके रिसेंट फाइल, थिंग और शेयर विद मी, तीन कैटेगरी के फाइल होते हैं। सबसे पहले रिसेंट को जानते हैं। रिसेंट मतलब जो रिसेंटली आपने ओपन किए हैं, उसके आई थिंक 8 या 10 फाइलों का लिस्ट यहाँ पे होता है। पिन की बात कर दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो लिमिटेड है ना, बट कोई फाइल हमें इम्पोर्टेंट है, हमेशा ओपन करता हूँ मैं, तो उसको सिलेक्ट करके मैं पिन कर दूंगा तो पिन वाले सेक्शन में चला जाएगा, जो कि हटेगा नहीं कभी। जो मोस्टली हम लोग मास्टर डेटा, सैंपल फाइल या जो आपके जो डेटा होता है, जो मोस्टली हम ओपन करते हैं ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको पिन कर दीजिए। सेशन पे जाके आप पिन पे क्लिक कर दीजिए। पिन दिखा ना मुझे, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते हैं पिन में चलाएगा। और शेयर विथ मी में जैसे कोई फाइल आप किसी और का फाइल आपने ओपन किया होगा, और शेयर विथ मी में आता है किसका फाइल है, यहाँ का ऑन का आता है जो आपको शेयर किया हुआ है, शेयर ड्राइव से या गूगल ड्राइव से। ओके, उसके बाद हम न्यू पे चलते हैं। जैसे न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू वर्कबुक, इसके अलावा बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। टेम्पलेट्स मतलब कि बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, इसके मदद लेके आप खुद के फॉर्मेट बना सकते हैं या फिर इसी फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इनवाइस के सिंपल बताया था मैंने, अब इनवाइस हमने डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसकी रिनेम वगैरह करके, अब इसका जो बाकी जो डिटेल्स वगैरह चेंज करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन खुद के भी टेम्पलेट बनाया जा सकता है। खुद के टेम्पलेट की जरूरत कब पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट में क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा जो आपका, मान लीजिए कि कल की जो डेटा है, कल की जो रिपोर्ट है, उसी को आप सेव एज करते हैं। ठीक है, आज की डेट से कल की जो डेटा है उसको क्लीन कर देते हैं, फिर आज की डेटा को फिल करते हैं, यही करते हैं ना सर? हाँ जी। तो आपको हर बार ये चीज करना पड़ता है। चलिए एक छोटा सा हम फॉर्मेट आपके साथ बनाते हैं। तो एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं, अब इसको सिलेक्ट करके मैं मर्ज कर दूंगा तो एक सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा। मैं यहाँ पे डेली सेल्स रिपोर्ट हमने हेडिंग दे दिया, अब इसको बड़ा करना है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ ए आपका बड़े का जो लेटर है बिग ए, इससे आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हो और इससे डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन आपको एक्चुअल साइज बताओ तो यहाँ पे टाइप करो, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर वन बाई वन करके देख सकते हैं कितना बड़ा चाहिए। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ से अनलाइन कर सकते हैं, आपका अंडरलाइन आ गया। फिर मैं यहाँ पे डेट का हेडिंग देता हूँ, और यहाँ पे हम दो एक फालतू सिलेक्ट करके नीचे बैक कर देते हैं, क्योंकि इसकी प्रिंट आउट निकालनी है तो पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे डेट लिखना है। और यहाँ हम लोकेशन का दे देते हैं, लोकेशन, और इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, जो भी हेडिंग देना आपको दे सकते हैं, सीआर नंबर वन दिया, और नीचे ड्रैग करने के लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके प्लस वन कर देते हैं, और फिर इसको नीचे की तरफ जितना नंबर चाहिए वहां पे ड्रैग कर देते हैं। अब बैलेंस क्या होता है, होता है क्रेडिट माइनस डेबिट। सबसे पहला कॉलम में डालते हैं, नीचे वाले कॉलम में क्या होगा कि क्रेडिट प्लस बैलेंस माइनस डेबिट। बैंक स्टेटमेंट वगैरह में ऐसा ही होता है, नीचे कितना ड्रैग कर दिया। फिर हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, और यहां से हमने ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर आ जाएगा। फिर इसको हमने बोल्ड कर दिया। अच्छा, कोई बैकग्राउंड कलर चाहिए आपको, आपको रखना चाहते हैं तो रख दे, यहाँ बैकग्राउंड कलर दे दें।
और फोर्थ नीचे यहाँ पे मैं ऑथराइज वाइज दे देता हूँ, एक सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूँ समझे। हाँ ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी कर दिया और यहाँ पे दे दिया चेक। बीच में जो ग्रिड लाइन आ रही है ना सर, जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, और ये ग्रिड लाइन होता है, हालांकि ये प्रिंट करते समय प्रिंट में नहीं आता है, नहीं आ रहा ना सर, लेकिन आप यहां से चाहो तो हटा सकते हो पेज लेआउट से। पेज गार्ड गया, प्रिंट को हटा दिया, ग्रिड लाइन व्यू है जो है उसको हटा दिया। दूसरी चीज देख रहे, जब हमने रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो यही तक है, तो सबसे पहले मार्जिन को देखते हैं, मार्जिन को हम नैरो कर देते हैं तो हट गया थोड़ा सा। पेज की साइज हमारे फुल सही है और ठीक है। अब मैं प्रिंट निकालूंगा तो मेरा एक पेज पे आएगा, राइट सर। इसमें अब मुझे ऐसा डेली मुझे ब्लैंक हमें करना पड़ता है, फिर इसमें आपने डिटेल जो बाकी डिटेल जो डालते हैं, फिर अगले दिन इसी को सेव एज करके इसको डिलीट करना पड़ जाता है दवाई लेटर को। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव एज कर देंगे। जी हाँ, इस फाइल को हम सेव एज कर देंगे टेम्पलेट में, एक्सेल टेम्पलेट, और फिर यहां से लोकेशन चूज करेंगे और यहां पर अपना नाम दे देंगे जो नाम चाहिए और यहां पर एस सेव हो गया। अब ये कैश के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए होगा, जस्ट यहाँ देखिए, अब यहाँ आइकन भी चेंज हो गया थोड़ा सा, बस इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए कैश वन के नाम से हुआ ना, अगर ओपन करूंगा तो कैश टू, जैसे ब्लैंक फाइल बुक वन बुक टू के नाम से सेव होता है ना, और हमेशा आपको ब्लैंक दिखेगा। इसका यूज कर सकते हो डेली बेसिस के ऑफिस में, कि ऑफिस की जो फाइलें होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 साल फाइलें हैं, 10 फाइलों को अगर आप डेली बेसिस पे बनाते हैं तो क्या होता है, रिपोर्ट हमारे कई तरह के होते हैं, कुछ वीकली होता है, कुछ ईयरली होता है, कुछ मंथली होता है, कुछ डेली होता है, किस डेली में सुबह और शाम मॉर्निंग इवनिंग होता है। तो ऐसे रिपोर्ट्स का आप पहले टेम्पलेट बना लें तो आगे चलते आपके लिए सही रहेगा, कि जब भी आप इसको करना चाहे कर सकते, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें, तो टेम्पलेट समझ में आ गया। टेम्पलेट के बाद हम ओपन पे आते हैं, तो ये आपके देखिए जैसे होम पे आप गए थे तो यहाँ पे 8 या 10 फाइलों का लिस्ट था, लेकिन जैसे आप ओपन पे आते हैं ये तक में 50 फाइलों का रिसेंट फाइलों का लिस्ट होगा, 50 रिसेंट फाइलों यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये आपके रिसेंट फोल्डर्स भी है जो आपने ओपन किया है, तो फोल्डर भी जैसे एक कोई फोल्डर है जिसके बराबर फाइल रखते हैं उसको पिंग कर दीजिए, वो लिस्ट हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से ब्राउज करके तो ला ही सकते हैं आप, क्या हेलो, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इन्फो के अंदर में, इन्फो में आपको फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन इसका भी एक यूज है सर, सिर्फ बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, अब जैसे ये देखिए आरएल डेटा दिख रहा है आपको, अब इस फाइल को किसने बनाया है, कैसे इस फाइल में पहले समझिए कि किसने बनाया, छोड़िए पहले कैसे पता चलेगा कि ये फाइल के अंदर कौन सा डेटा है। नाम से तो पता नहीं चलता ना सर, जब बुक वन नाम से फाइल होगा, डेटा नाम से होगा, समरी नाम से होगा, तो उसमें कंफ्यूजन ये होती है कि इसके अंदर डेटा है तो किसका है। तो अब इस पर अब मैं कर्सर रखता हूं तो यहां पे देखिए इसकी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को अगर मैं फिल कर दूं, हमने क्या किया इस पे राइट क्लिक किया और चला गया प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी में मैं यहां समरी पे आया, नहीं डिटेल्स माफ कीजिएगा, डिटेल्स यहां पे दे देता हूं, दे देता हूं कि पावर
और यहाँ कुछ और भी कर सकते हैं कि क्लास टैग। अब इस फाइल को कितने नाम पर जाना जा सकता है, जिसकी हमने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन, मैंने दिया रिलेशन, ज्वाइन दे दिया, मैंने दिया रिलेशन, और भी कुछ दे सकता हूँ और बस इसको अप्लाई कर। टैग क्या होता है, ये आप किस किस नामों से इसको सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, वो है टैग होता है, कीवर्ड्स। एंड अप्लाई कर दिया। अब एक बार फोल्डर को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसे इस पर कर्सर गया दिख रहा है सर, सैंपल डेटा क्लास। अब मुझे इसको ओपन करने की जरूरत तो नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक ठीक ठीक। क्या तो आपके जो इन फ्यूचर में जो फाइलें, बड़ी बड़ी फाइलें बनेगी आप, तो बड़ी बड़ी फाइलों को आप इसी तरह से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस होंगी जो कि आपको ऐसा लगा कि इन फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसकी प्रॉपर्टी को आप इसी तरह से मेंटेन कर दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बाकी तो सेव और सेव एज तो नॉर्मल ही है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिएगा आप ऐसे फाइल को सेव एज मत कीजिएगा जिसमें किसी तरह का कोडिंग लगा। किसमें सेव एज नहीं कीजिएगा? एक्सेल वर्कबुक। डिफॉल्ट आपका यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आता है। ठीक है, अगर आपने अपने फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, अपने फाइल को आपने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया, तो क्या होगा बताया आपको? इसके सारे कोडिंग डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सारे कोड्स जो है डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया। तो उसको फिर कैसे सेव करेंगे? इसको हम सेव करेंगे माइक्रो एनेबल वर्कबुक। माइक्रो एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल होती है, सारे कोड को डिलीट कर देंगे, तो कभी भी ऐसी फाइल को सेव है हमेशा माइक्रो एनेबल वर्कबुक। ठीक है, कोडिंग से क्या मुराद है आपकी? ये क्या होता है ना कि जैसे कि आपके एक्सेल में अभी तो ठीक है, लेकिन कल के दिन में क्या होता है कि कोई चीज एक्सेल में नहीं है, उस चीज की जरूरत पड़ गई, ऐसा फीचर एक्सेल में नहीं है, ऐसा हो सकता है ना सर? माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी दे सकता है कि आपके सभी लोगों के सारे काम एक्सेल से हो जाएंगे, कुछ ऐसे काम होंगे जिसके लिए एक्सेल में कोई फीचर ना होगा। ओके ओके, इसके लिए आप जो है किसी से कुछ, आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो खुद से बना लोगे, या किसी फ्रेंड या मुझसे बोलोगे तो उसके लिए मैं प्रोग्रामिंग बना के आपको दे दूंगा। तो जो प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग मैं दूंगा, वो कोडिंग आपका माइक्रो के इसके फाइल के प्रॉपर्टी में डालना होता है मॉड्यूल्स बना के। तो जो कोड है वो कोड जो है आपका देख लीजिए ना, कोई फाइल अगर आपको मिलता है एक्स यहाँ पे XLSM के फाइल से, मतलब कि किसी फाइल कोई एक्सेल फाइल आपको मिला और उस एक्सेल फाइल का जो आइकन है, देख लीजिए आप ध्यान देख लीजिए, आइकन जो है अगर आइकन में इस तरह का लगा हुआ टाइल लगा रहा है लास्ट में सर, देख रहा हूँ क्या मैं जो थोड़ा सा लार्ज करता रहा जी, दिख रहा है सर ये जो का जो लगा हुआ है ना, ये क्या है पता आपको? ये माइक्रोक्लेमेशन है। इसमें ऐसा इससे बताया गया है कि इसमें कोडिंग का यूज हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है। नॉर्मल भी लोग इसमें सेव कर देते हैं, लेकिन देखिए INQ दिख रहा है आपको, इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ये आपका .xls फाइल है, मतलब कि ये है आपका एक्सेल वर्कबुक फाइल, और जो PPT दिख रहा है आपको ये है आपका माइक्रो एनेबल वर्कबुक। ठीक है, तो ये इस तरह का सिंबल लगने से क्या हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन हो गई कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो सकती है, 100% जरूरी नहीं है, लोग बिना प्रोग्रामिंग भी इसमें सेव कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर 100% गारंटी है कि कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग को कैरी नहीं करता है, समझे? ओके ओके, ये प्रोग्रामिंग किस तरह की होती है चलिए बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ डेवलपर में या अल्ट एफ11 पेस्ट करेंगे तो देखिएगा, ये देख रहे हैं कोर्स, ये प्रोग्रामिंग, हमने नया फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करने का एक नया प्रोग्राम लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली मेरे ऑटोमेटिक जो है ईयर 2020 के अंदर जाएगा, फाइव का फोल्डर बनाएगा, फाइव के अंदर जाएगा 18 का फोल्डर बनाएगा, और
और उसमें एक फाइल को सेव कर देगा और फाइल को क्लोज कर देगा। तो जरूरत थी तो हमने इसको बना दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे जरूरत पड़ेगी तो रन कर लेंगे। हमने यहाँ बटन पे इसको कर दिया, क्लिक करते हो रन हो जाएगा, समझे? तो इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। ओके ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रिंट वगैरह सेल वगैरह मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई खास नहीं है। प्रिंट तो बताऊंगा, जो पेज सेटअप बताऊंगा, बाकी चीजों में कोई खास नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन पे, लास्ट में आप बोलेंगे कि सर मेरी पहली या दूसरी क्लास है, इसमें आप एक्सेल का ऑप्शन सिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई नया चीज खरीदते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना। अगर मान लीजिए आपने अगर कोई ये खरीदा, सेलफोन खरीदा, तो उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं सर, ताकि आपके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करे। तो यहां उसकी सेटिंग, जैसे कि आपकी फॉन्ट, फॉन्ट यहां होता है ना सर, यहां चेंज करते हैं आप, और फॉन्ट यहां पे कैलिबरी या कुछ और होता है, लेकिन वो फॉन्ट आपको जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से फॉन्ट लेते हैं भाई, समझे सर? तो अब हर बार आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ जाता है। यहां देखिए आपको बॉडी फॉन्ट, यहां पे वो फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए, आपके एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट वही होगा। अब मैंने एरियल कर दिया, अब जब भी कोई नई या पुरानी फाइल खोलूंगा तो मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल होगा, लेकिन जिसमें आप चेंज कर चुके हैं वो चेंज नहीं होगा। नई लिखा हुआ ना, देन दे क्रिएटिंग द न्यू वर्क बुक, ऐसे फॉन्ट की साइज, व्यू, व्यू ये होता है नॉर्मल पेज पेज लेआउट, एंड यहाँ पे आपका पेज ब्रेक होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू होगा। और थ्री, जब भी एक नई फाइल आप ओपन करते हैं तो तीन डिफॉल्ट शीट आपको मिलते हैं। अब ज्यादा करना हो या कम करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑथर नेम, ये यूजर नेम। जैसे कभी देखा आपने कि मैंने कर्सर रखा तो इसने बता दिया इस फाइल को किसने बनाया है। बिल्कुल, मैं किसी को फॉरवर्ड करूंगा और फाइल को कोई किसी को फॉरवर्ड कर देगा तो इजिली पता लग जाएगा कि हाँ इसको हमने बनाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो ठीक है, अब इसके क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारी जो फाइल है उसमें जो ऑथर नेम कैसे पिक करता है, ये आपकी जो यूजर नेम है, लॉगिन आईडी, विंडो का यूजर नेम, जो लॉगिन आईडी है उसके अकॉर्डिंग लेता है। अब होता है क्या है कि आपके कंपनी में जो फाइलें होती है तो उसमें एडमिन वन, यूजर वन और ऐसे कुछ नेम होते हैं ना, आपका एग्जैक्ट नेम नहीं होता है ना सर, तो आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप सोचते होंगे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया, तो हमने बोला कि हम मोबाइल की सेटिंग चेंज कर दिए, पूरी सेटिंग थोड़ी चेंज करते हैं, जो हमें जरूरत हुई करते हैं, जो डिफॉल्ट होगा उसको डिफॉल्ट रखेंगे ना, क्या सर? इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसकी जरूरत है वो तो उड़ाना ही चाहिए उसमें, और उसको चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं है ना सर। हम चेंज तो करेंगे जिससे कुछ बेनिफिट हो, जैसे कि हमें फॉन्ट की साइज से बेनिफिट हुआ, फॉन्ट से बेनिफिट है, यहाँ से यूजर नेम से बेनिफिट है ना, इसलिए। दूसरा, जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा कि ये आपका जो 1 2 3 है ना, और ये आपका रो कॉलम भी जो ABCD है वो भी 1 2 3 हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको चेंज कर देंगे। हालांकि इसका यूज हम लोग VBA के ऑफसेट फॉर्मूला के साथ करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमें कुछ टाइप करते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं तो इस तरह का एरर होता है, तो हम इंडिकेट करता है इस तरह का ब्लू निशान से। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे तो साइड में एक ये आएगा, कलर आएगा, उस पर क्लिक करते ब्लू बताएगा आपको कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, तो इसको आप कन्वर्ट नंबर करेंगे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर इग्नोर एरर करेंगे। इग्नोर एरर करेंगे सिर्फ आपका एक ही सेल में इग्नोर होगा, किसी और सेल में डालेंगे तो आपको वापस आ जाएगा।
अब मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक्सेल फाइल में, हर मेरे पूरे फाइल में ऐसा किस तरह का एरर ना आए, या पूरे एक्सेल फाइल एप्लीकेशन में। तो फॉर्मूला के अंदर आपके सामने ये होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेक, इसको हटा दीजिए, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं अपने डेटा में कुछ खास चीज नहीं, प्रूफिंग में है। प्रूफिंग में आप यहाँ ऑटो करेक्ट पे जाइए। यहाँ पे मैंने अगर हमने बना रखा है कि डीएस, अब मैं किसी एक्सेल सीट पे जाके अगर डीएस लिखूंगा और डीएस लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डेली सेल्स रिपोर्ट। तो आप कुछ बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप लिख दिया डब्ल्यू एस और यहाँ पे लिख दीजिए वीकली सेल्स रिपोर्ट। एक किसी भी एक्सेल फाइल में जाएंगे और यहाँ पे डीएस या डब्ल्यू एस लिखेंगे तो आपको यहाँ पे, तो आप ऐसे सेंटेंस जो बार बार लिखते हैं या कुछ ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग मेरी तरह भूल जाते हैं उसके ये बना सकते हैं। सही, कुछ साइंटिफिक होते ना, साइंटिफिक नेम वगैरह। मैं क्योंकि मैं एक फार्मा कंपनी में पहले काम करता था ना, और मेरी बैकग्राउंड तो कंप्यूटर साइंस है, और फार्मा के बड़े बड़े केमिकल्स नेम होते थे और उसकी स्पेलिंग भी ये उल्टा सीधा होता था, तो मैं क्या करता था, ऐड कर लेता था, शॉर्ट नेम डालता था, आ जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा प्रूफिंग में एक चीज और, एक और बेनिफिट क्या, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है। जैसे किसी ईमेल आईडी पर लिखते हैं या किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, क्या होता है, साइट का एड्रेस ले लीजिए ipt.india.com या किसी की ईमेल आईडी लिख दिया आपने, तो ये हाइपरलिंक ऑटोमेटिक लग जाता है। अभी तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, डेटाबेस बनाते समय दिक्कत हो जाता है ना सर, कि अगर इसको सिलेक्ट करने जाए तो क्लिक हो जाता है, क्लिक होते ही आउटलुक खुल जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि टाइप करने के बाद हम यहाँ से क्लियर में जाके रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह की हाइपरलिंक आए ही ना, हमें जरूरत ही नहीं है। तो फाइल के अंदर आइए और फाइल में यहाँ ऑप्शन, और ऑप्शन में आपको यहाँ पे प्रूफिंग में यहाँ आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन में इसको अनचेक कर, इसको अनचेक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सेव पे आते हैं। जैसे हम बताया आपको कि डिफॉल्ट इसको अनचेक, इसको अनचेक करना था या चेक करना था, जो प्रूफिंग में करना था सर, चेक तो बाय डिफॉल्ट होता ही। यहां से अनचेक करना है, रिप्लेस दिखो प्लेस एज अ टाइप इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, ठीक है, चेक करना करेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, ठीक ठीक, आगे बढ़े बढ़े बढ़े। अब सेव पे आते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट होता है, लेकिन एक्सेल वर्कबुक में आप हमेशा कोई कोड वगैरह, वीवीए कोड वगैरह सेव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये हो गया कि मैं जैसे मैं हर दूसरी तीसरी फाइल वीवीए का बनाता हूं, तो क्या होता है कि हर बार हो जाता है, मान लीजिए हमने प्रोग्रामिंग लिखा और गलती से हमने एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दी। अब घंटे दो घंटे तीन घंटे हमने प्रोग्रामिंग लिखे और सेव करते समय हमने गलती कर दी, तो क्या होगा, सारी प्रोग्रामिंग लॉस्ट। यहां से मैं एक्सेल एनेबल वर्कबुक यूज कर लूंगा, या फिर बहुत सारे लोग अभी भी 2003 वाले टेम्पलेट पे काम करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी पीएफ ऑफिस वगैरह में चले जाइए तो उनके अभी भी जो पीएफ के सॉफ्टवेयर्स वगैरह है या आरआईबीएस या सेबर के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो एक्सेलस एक्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्सेलस को एक्सेप्ट करती है। जो 65 फाइल थी ना शुरुआती, उसी फाइल को सपोर्ट करती है। ठीक है, ओके, वो अपना डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं ताकि वो बार बार उनको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। उसके अलावा जब भी आप सेव एज करते हैं तो आपका फाइल बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में जाता है,
बार बार आपको पाथ चेंज करना पड़ता है। ऐसा ऐसा एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कभी मैं काम कर रहा हूँ किसी फाइल के ऊपर, उसको मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हर 2 मिनट या 1 मिनट के बाद जो फाइल है वो खुद ब खुद सेव होती जाए? देखिए ऐसा इसमें ऑटो रिकवर का सिस्टम होता है समझे, लेकिन ये आपका तभी मिलता है जब सिस्टम में गलती के कारण फाइल बंद हो जाती है, जैसे फाइल हैंग हो गया, उसका उसका मुझे स्टार्ट हो गया तो। लेकिन इससे उसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरा फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो, कंट्रोल एस प्रेस हो, तो उसके लिए आपको फिर एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ वीवीए के जरिए आप इवन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑटो रिकवर का ऑप्शन है, लेकिन ये तभी रिकवर करता है जब आपका फाइल हैंग होके बंद हो जाता है, और यहाँ पे 10 मिनट डिफॉल्ट होता है, चेंज करके आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज भी कुछ नहीं है, इजी टेक्स्ट से एडवांस में आते हैं। आप एडवांस में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा डाउन आता है ना, हाँ हाँ, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अप जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए। उसके बाद आप ड्रैगिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, ड्रैगिंग पॉइंट से ड्रैग कर देते हैं। अब किसी फाइल में अगर ड्रैगिंग पॉइंट ना आ रहा हो या किसी ने डिसेबल कर दिया हो तो यहां से आप डिसेबल कर सकते हैं, क्लिक है तो अनेबल है, अनक्लिक है तो डिसेबल है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इसी तरह कुछ और चीज है, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं तो जैसे कि फॉर्मूला बार, अगर फॉर्मूला बार नहीं शो करना है तो अनचेक कीजिए, फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा, फंक्शन टेक्स्ट नहीं दिखेगा। उसके बाद अब यहाँ देखिए अभी जो है एक पर्टिकुलर फाइल पे हो रहा है, जैसे मैं मान लीजिए बुक 3 पे मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल बार और हॉरिजॉन्टल बार एंड वर्टिकल स्मॉल बार ना दिखे तो मैं यहाँ से अनचेक कर, मैं चाहता हूँ कि मैं शीट नेम जो है ना दिखे तो मैं शीट नेम अनचेक कर। अब बुक 3 के एक पर्टिकुलर शीट 1 पे या शीट 2 डिसाइड कर सकते आप यहाँ पे कि एक कॉलम हेडर एबीसीडी 1 2 3 दिख रहा है और ना दिखे, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट टू राइट हो जाए, या यहाँ पे पेज ब्रेक शो हो, या जीरो शो हो या ना हो, अनचेक कर दूंगा जीरो शो नहीं होगा, चेक है तो होगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडिट कस्टम लिस्ट। अभी क्या है देखिए, आप एक्सेल फाइल में क्या लिखते हैं, जैन लिखते हैं, ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च हो जाता है। आप यहाँ पे संडे लिखते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे आ जाता है, क्या सर? ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं आपके टीम का नेम पूजा लिखा तो क्या आया होगा? आपके सिस्टम में पूजा पूजा आएगा बट मेरे सिस्टम में मेरे टीम का नेम आ गया। तो जो हमारे थे कुछ ऐसे लिस्ट है जिसमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है या फिर टाइप करना होता है, जैसे आपके कस्टमर लिस्ट, आपकी टीम लिस्ट, आपका प्रोडक्ट लिस्ट, सिटी लिस्ट, जोन लिस्ट, एरिया लिस्ट, क्लाइंट लिस्ट, होंगे ना सर? तो आप क्या करें, एडवांस में जाए, सबसे नीचे आए, एडिट कस्टम लिस्ट इस पे क्लिक करें और न्यू लिस्ट पे जाके आप अपने लिस्ट बना, जैसे कि मैंने इसको बना रखा और फिर ऐड पे क्लिक कर देते। ओके ओके। अगर मान लीजिए कहीं सेल पे बना रखा है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फिर किसी भी फाइल में, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैं नॉर्थ डाल दिया, मैंने जोन बना रखा है ना, किसी भी फाइल में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ आ जाएगा, जैन का वो संडे मिल जाएगा। क्लियर सर? क्लियर हो गए। इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आए हम ऑप्शन में, तो हमारे पास है कस्टमाइज रिबन। इसमें क्या है कि जैसे आपके सिस्टम में देखिएगा डेवलपर का टैब शो नहीं हो रहा, ठीक है, कि कस्टमाइज रिबन में यहाँ से अनचेक होता है। तो इसमें से किसी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेनू बार उसको हटाना चाहते हैं या कोई मेनू बार ऑलरेडी हाइड है आना उसको लाना चाहते हैं, यहाँ से ला सकते। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे से कमांड नॉट इन रिबन में जाएंगे
तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कमांड मिलेंगे जो कि रिवन में है ही नहीं, समझे? ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप किया आउटलाइन में, इसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक किया, एक नया ग्रुप बनाया और उसको ऐड किया, ठीक है सर। अब यहाँ देखिए आ गया फॉर्म, हाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, दो जगह हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपकी सेटिंग है। अब इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और कहीं भी कुछ ऐसा हो जो आप सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, हम आपको सिखा। हाँ ये जब हम प्रैक्टिस इसको करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, उसमें इसका यूज आई बिलीव ये जो ऑप्शन का है ना, ये आता जाएगा, कभी कुछ का कभी कुछ का कभी कुछ का। सो तो फाइल में दोबारा आज हमने आपकी कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे होम में दोबारा, अब कल हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट के बारे में, पूरा कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेस और हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कल ना कर लें, क्योंकि अभी वो जो है वो कल करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये पेस्ट वाला ऑप्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आज ये होम का पहला टैब करते हैं पेस्ट, तो उसके ऊपर टाइम काफी लग जाएगा। अगर हम कल इसके ऊपर इसको स्टार्ट करें होम टैब से, हाँ तो कल ही करेंगे ना सर, कल करते हैं पेस्ट के बारे में। ये आपकी डेढ़ घंटे का टॉपिक है सर, ये लंबा टॉपिक है, दो दिन चलेगा। कल हम फिर कल 9 बजे शुरू करें, ये 9:30 ही सही है। वो अभी टाइम पे शो किया ना आपको मैंने, 3 बजे 40 मिनट पहले, 2 बजे चले, हाँ 2 बजे ठीक है, 9:30 सही है, ठीक है। कल हम पेस्ट के ऊपर काम करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।